हे एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल। और आप सभी व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज सुबह उठते ही मुझे ये वाला आम मिला है सरप्राइज़ के तौर पर। इतने सारे आम देखकर मेरा तो दिमाग ही हिलने डुलने लगा कि आज मैं इसका क्या क्या बनाऊं। फिर मैंने फटाफट से सुबह के नाश्ते में इन्हीं आम की चटनी बनाई। और चटनियाँ मुझे ना सब तरह की अच्छी लगती है, लेकिन कच्चे आम की मुझे चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। यहाँ मैंने पुदीना, हरी मिर्ची और हरा धनिया डालकर ये वाली जो है चटनी बनाई है। इसमें हमने थोड़ा सा गुड़ भी डाला था। क्यों यह खट्टी मीठी चटनी अच्छी लगती है, किस किस के यहाँ ये वाली चटनी बनती है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मैंने सुबह के नाश्ते का ये आटा वाटा लगा के सुबह के नाश्ते की प्रक्रिया जो है अपनी कर दी है कंप्लीट। और फिर यहाँ हो गया दोपहर का टाइम। दोपहर के लंच में मैंने बनाई है वो जो आम सुबह मुझे मिले थे उन्हीं से ही ये वाली आम की सब्जी। और यहाँ मेरे पास कुछ टिंडे रखे थे तो मैंने टिंडे की सब्जी अपने लिए बना ली, क्योंकि मुझे ही घर में सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मैं ही खाती हूँ, इसलिए मैंने दो टाइम की बनाई है। तो ये देखिए मेरी थाली। फिर मैंने फटाफट से दोपहर का जो अपना काम है वो करा कम्प्लीट, क्योंकि मुझे जाना था मार्केट। अभी शाम के 4 बजे हैं और मैं चलती हूँ मार्केट। तो मार्केट जाते ही सबसे पहले मैंने अपनी गुड़िया को पहनाए ये वाले सैंडल। किस किस को पसंद आए हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फिर मुझे आ गई थी एक जोड़ी चप्पल पसंद, ये वाली नहीं, मैंने दूसरी ली है, अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। फिर हम आ गए थे कपड़ों की शॉप पर। यहाँ से मैंने ये वाली टी शर्ट अपने बेटे के लिए ली है, ये वाली टी शर्ट अपने हस्बैंड के लिए है। फिर मैंने अपने लिए कुर्तियाँ देखी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये टॉप मैंने अपने बेटे के लिए लिया है। और फिर मार्केट आए और चाट ना खाए, फिर हमने ये वाली चाट खाई और फटाफट से हम घर की तरफ आए, क्योंकि हमारा आना था एक पार्सल जिसमें मैंने एक स्टैंड मंगाया है और ये कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।